लुधियाना में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुल गया है जिसमें कंसेप्ट होगा कि हर टेबल पर अपनी ही ग्रिल होगी। अब इस रेस्टोरेंट वालों का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं वहाँ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कवर किया वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से विकास भामरी ने। मेन कोर्स होंगे लगभग वेज और नॉन वेज मिला के 20 तरह के। ये जो अभी तुम्हें देंगे दे, जो कुछ भी अभी बना रहे हैं जो अभी कर रहे हैं यह पूरी तरह टेस्ट होके आता है। इस तरह जिद कि कैसल बारबेक्यू ऑनलाइन टाइम कार इतने नंबर Yes, my name is Prabdeep Singh and I am the owner for Castle Barbecue and we are opening on 5th of December at Ludhiana and we are soon going to open like 5 more outlets in Punjab. We are serving more than 100 dishes in terms of starters, in terms of main course, in terms of live counter and we have a wonderful variety of each and everything, either it's Indian, Chinese or continental. We are opening with a live terrace as well with a party space of around 150 people. Plus a buffet with a barbecue inside it and it will be having like 100 sitting in that as well. So please everyone come to Castle Barbecue, Pavilion Mall, 4th floor on 5th of December. Thank you all. We have a live barbecue at each table and we are serving like more than 20 starters on the grill and we are serving more than like 50 dishes in the buffet. Like and desserts, we are having 25 desserts. We have a specialized in Indian and tandoori section. Please do try us. मेरा नाम तजिंदर सिंह है, मैं कैसल बारबी कंपनी का ओनर हाँ। इतने असी लुधियाने के विचकार तुहाडे वास्ते एक बहुत वधिया जिहा कंसैप्ट लैके आ रहे हैं जिहदा नाम है बारबी क्यू। इहदे कार हर टेबल पर ग्रिल लगी होएगी, हर टेबल पर तुहानू हर तरह का स्नैक्स सर्व होएगा। साढ़े इतने हर हफ्ते स्पैशलिटी हैगी है साड़ी, हर हफ्ते साढ़े स्नैक्स चेंज होते चले जाएंगे। जो तुम कभी नैक्सट टाइम आना है सेम स्नैक्स नहीं सर्व होंगे, अलग स्नैक्स सर्व होंगे। 100 तो उत्ते प्रकार की वरायटी मिलेगी। इतने डेजर्ट के विचकार हर तरह की वरायटी होगी, मिठाई होवे, केक होवे, पेस्ट्री होवे, जिस तरह का भी इतने का क्राउड लाइक करता है लुधियाने का, असं वह चीज़ा सारिया सर्व करा। साडा बड़ा ज़्यादा फोकस होएगा लुधियाने की लेडीज़ किटी पर। लेडीज़ किटी वास्ते असी स्पैशलिटी देंगे उन्होंने कि वह प्रसन्न हो जाएगियाँ। अगर अगर लेडीज़ किटी से ज़्यादा लोग लेडीज़ पसंद होंगे ना तो वह फैमिली नू जाके अट्रैक्शन देंगे सानू साड़ी तरफ आने, तो वह फैमिली नू लैके आंदी। असी असली लेडीज़ से किटी के उत्ते बहुत ज़्यादा फोकस देंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वरायटी देंगे, चाहे वह वैज ने चाहे वह नॉन वैज ने। साड़ी स्पैशलिटी हैगी, साढ़े जोड़े शैफ ने वो स्पैशलिटी होएगी उन्होंने, और हर कम हर एक ना प्रोफेसनल होएगा। जिदा जोड़ा भी जिस तरह का भी स्नैक्स बनाएगा उस क्वालिटी का महारत होएगा। इंडियन वाला इंडियन, चाइनीज़ वाला चाइनीज़, और इटैलियन वाला इटैलियन बनाएगा। उदार इस तरह नहीं है। और आप चलते हैं जादू के एक खेल की तरफ। आपको मालूम ही होगा कि लुधियाना में जादूगर ओपी शर्मा आ चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे शो है, कुछ डिटेल्स दिखाते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से। शॉर्ट्स कुछ वहाँ के लिए हैं विकास भामरी ने। अपने
लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में शांति और सद्भावना बनी रहे, इसका संदेश हमारे अतिथि शांति प्रतीक कबूतर को। सारे भी बड़े खुश होंगे, बहुत बढ़िया शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्यों आपने जादू क्यों चुना? ऐसा है कि मैं बलराम वर्मा एडवोकेट हूँ, मैं गोल्डी मसाले का पूरे पंजाब का टैक्सेशन कंसल्टेंट हूँ। मुझे आज एमडी साहब का फ़ोन आया कि आप हमारा काफ़ी सालों से काम देख रहे हैं एज एन एडवोकेट, तो आप जाकर हमारे शो में गेस्ट ऑफ ऑनर का भूमिका निभाएं और लोगों को अवेयर करें कि बच्चों के आकर यहाँ पर कैसे वो जादू का शो करके एंजॉय देखते हैं। प्रीत पैलेस में पूरा महीना चलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर शो का अटेंड करके सभी बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये मैजिशियन शो जो बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे वो आकर जैसे ये जीवन जी हैं, अभी इन्होंने पूरा एंजॉय किया है, ये पूरा लुत्फ उठा रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स आएँ और एक फैमिली शो है। प्रीत पैलेस भी इतना अच्छा अंदर उन्होंने डेकोरेशन की हुई है कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी हम मल्टीप्लेक्स मॉल में आ गए हैं, ये वो प्रीत पैलेस की वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। थैंक यू। जो जादूगर ओपी जी का जो शो होने शुरू जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और आप कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ ओपी शर्मा जी को, जो कि वर्ल्ड वाइड मैजिशियन हैं। इन्होंने ऑलरेडी पंजाब में जालंधर, बठिंडा, अमृतसर और अब लुधियाना में के प्रीत पैलेस सिनेमा में रोज़ाना 200 और संडे को 300 आयोजित करने जा रहे हैं, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस शो का जो आयोजन है, जो इसके संयोजक हैं, प्रमोटर हैं, वो गोल्डी मसाला कानपुर से। ये एक कोइंसिडेंस की बात है कि गोल्डी मसाला कानपुर में बड़ी अच्छी तरह से पिछले 25 साल से ज़्यादा लोगों की सेवा कर रही है, और ये ओपी शर्मा मैजिशियन भी कानपुर से ही हैं, और अपने इन धमालों से, अपने कर्तव्यों से ऑलरेडी उन्होंने समाज के सारे विभिन्न अंगों को छू लिया है, और हमें पूरी आशा है कि गोल्डी मसाला की तरफ से ये जो संयोजित किया गया है प्रोग्राम है मैजिक शो का, पूरा कामयाब होगा। आज 1 दिसंबर को इसकी इनॉग्रेशन प्रीत पैलेस में कर रहे हैं, और इसकी इनॉग्रेशन है मानयोग मेंबर नवनीत सिंह बिट्टू जी, मेंबर पार्लियामेंट श्री सुरेंद्र डावर जी MLA, और श्री बलकार संधु जी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और इस मौके पे मैं सभी आगंतुकों का, सभी प्रबंधकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं।